दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि केवल 5 मिनट में आप 1 किलो सीताफल का पल्प किस तरह से निकाल सकते हैं। सीताफल खाना तो हम सबको बहुत ही पसंद होता है दोस्तों, परंतु सीताफल का पल्प निकालना, उसके बीजों को अलग करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि सीताफल सबसे पहले तो हमें खरीदना कैसे चाहिए। तो जब भी सीताफल खरीदें दोस्तों, इस तरह से बड़ी आँख वाले सीताफल लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इसे बोलते हैं सीताफल की आँख। तो बड़ी आँख वाला सीताफल जो रहता है उसमें बीज कम होते हैं और पल्प ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये इसका चुनाव हो गया। और दूसरा, जो थोड़े काले काले से सीताफल होते हैं, डार्क गहरे रंग के, वो बिल्कुल भी ना खरीदें, वो अंदर से ख़राब होते हैं और साथ ही साथ उनमें पल्प भी कम निकलता है। तो इस सीताफल को देख के ही अंदाज लगा सकते हैं आप कि बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा सीताफल दिखाई दे रहा है। बड़ी आँख वाला बिल्कुल चमकदार सीताफल ही आप बाज़ार से खरीदें, ताकि हम आसानी से ज़्यादा पल्प निकाल सकें। तो सबसे पहले सीताफल को पहले तो मैंने धो के रखा था, धो के पोंछ लिया था, थोड़ी सी डस्ट लगी रहती है इसलिए धोएं जरूर। 2 हिस्सों में तोड़ लिया है। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है। चम्मच की सहायता से आपको इसका, इसके जो सीड्स हैं, इसका जो पल्प है, उसे इस तरह से रिमूव करना है। बहुत आसानी से निकल जाता है दोस्तों सीताफल का पल्प। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीताफल के पल्प को आप पूरे साल भर किस तरह से स्टोर करें, ताकि जब भी खाने का मन हो आपको सीताफल को, आप तुरंत ही अपनी मनपसंद रेसिपी बना सकें। आप चाहें तो सीताफल की रबड़ी बनाएं, आप चाहें तो सीताफल का शेक बनाएं। बहुत सारी रेसिपी में हम सीताफल का इस्तेमाल करते हैं। तो साल भर कैसे स्टोर करें, क्योंकि मार्केट में तो सीताफल केवल ठंड के मौसम में ही मिलता है। और इतने, ये देखें, आधा सीताफल का इस तरह से मैंने बीज और पल्प सहित निकाल लिया है चम्मच की सहायता से, और एक बड़े तार वाली छन्नी में डाला है। दोस्तों कभी भी एकदम बारीक तार वाली छन्नी ना लें, नहीं तो आपको इसका पल्प निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसमें केवल 5 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों। इतनी जल्दी मैं इसे निकालती हूँ, 3 से 4 सीताफल का पल्प। और बस जब हमें साल भर के लिए स्टोर करना होता है, तब तो कम से कम 6 से 7 सीताफल का पल्प मैं फटाफट निकाल लेती हूँ। परंतु अभी तो सीताफल आना स्टार्ट हुए हैं और हमें इसको जब प्रिजर्व करना रहता है तब थोड़ा सा और टाइम हो जाए। अभी तो बहुत अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, तब आप उसे प्रिजर्व करें। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती ना, उतने अच्छे सीताफल मार्केट में आते हैं। ठंड का ही फल है ये, और बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। गुणों का भंडार है सीताफल। परंतु ऐसा कहते हैं पुराने लोग, जब भी सीताफल खाएं उसके तुरंत बाद आप पानी बिल्कुल ना पिएं। पानी पीने से, सीताफल खाया और पानी पिया तो तुरंत ही सर्दी होने का डर रहता, ऐसा कहा जाता है। और हमेशा सीताफल को आप दिन के समय खाएं, धूप के समय खाएं, कभी भी शाम को ना खाएं, रात के समय सीताफल ना खाएं। और इसके छिलके में जो पल्प होता है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं जो छिलके से जुड़ा हुआ अंदर का पल्प था, उसे मैंने ऐसे ही निकाल कर कटोरी में डाल दिया है, ताकि मेहनत कम पड़े। ये देखिए, तो जो छिलके से जुड़ा हुआ पल्प है, वो चम्मच की सहायता, थोड़ी सी नुकीली चम्मच ली है मैंने, ताकि मैं इस पल्प को निकाल सकूँ और मुझे इसका पल्प निकालने में कम समय लगे। बस बाकी के छिलके को आप हटा दें। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अब इस पल्प में से बीजों को अलग करना। सीताफल की बस यही चीज़ तो रहती है दोस्तों, बीज बहुत सारे होते हैं, और बीजों को अलग करने के लिए आपको इस तरह का ये स्पैचुला लेना है दोस्तों। सभी के घर पर होता है, स्टील वाला लें, लकड़ी वाला लें, जो आपके यहाँ है। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा क्रश कर लें। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा ताकत से इसे थपथपा रही हूँ, ताकि जो बीज हैं वो पल्प को छोड़ दें। अब कुछ कुछ बीज आपको दिखाई देने लगे होंगे, 8-10 बीज मुझे दिखाई दे रहे हैं बस। अब आपको क्या करना है, चाहें यदि इस तरह का वायर वाला, ये जो वायर विस्कर होता है, ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी बड़े चम्मच की सहायता से इस तरह से सीताफल के जो बीज हैं उन्हें गोल गोल घुमाएं, हल्का सा रगड़ते हुए घुमाएं। आप देख सकते हैं ये नीचे से सीताफल का पल्प आना स्टार्ट हो गया है। तो आज तो मैंने आपको केवल एक ही सीताफल का पल्प निकाल कर बताया है दोस्तों। मुश्किल से मुझे 2 या 3 मिनट भी नहीं लगा होगा इसे निकालने में। और इसी तरह से ज़्यादा सीताफल का पल्प भी आप बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, बिल्कुल भी हमें कोई पानी मिक्सी का यूज़ नहीं करना है। और अब आप देख सकते हैं 3 मिनट के अंदर ही सारा पल्प निकल गया है। बीज आपको अलग दिखाई दे रहे हैं छन्नी के ऊपर। और सीताफल का चुनाव अच्छा करें दोस्तों। सीताफल अगर हमारा अच्छा हेल्दी होगा, पल्पी होगा, तो पल्प तो ज़्यादा निकलेगा ही।
और बहुत कम समय में निकाला है। ये देखिए छन्नी में भी जो पल्प लगा है उसे मैं चम्मच की सहायता से इस तरह से कटोरी में डाल रही हूँ। तो बहुत कम समय में हमने सीताफल का पल्प निकाल लिया। किसी भी रेसिपी रबड़ी बनाए दोस्तों, रबड़ी बनाएं और रबड़ी में आप सीताफल मिक्स करें तो सीताफल रबड़ी बन जाएगी। बहुत सारी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ सीताफल की शेयर की है और इस मौसम में जब ये आता है तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब हमें ज़रूर खाना चाहिए ताकि सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सकें। बस दिन में खाएँ, धूप में खाएँ, सीताफल खाने के बाद पानी ना पिए। तो ये सीताफल का पल्प तैयार है। चलिए देखती हूँ, बताती हूँ दोस्तों कि आपको इसे साल भर तक किस तरह से स्टोर करना है, क्योंकि ये अभी ही आएगा मार्केट में, एक दो महीने बाद फिर ये बंद हो जाता है, फिर साल भर नहीं मिलता हमें। तो इसे स्टोर करने के लिए कोई भी अच्छा एयर टाइट कंटेनर ले लें, जो भी डब्बा आपके पास है आप ले सकते हैं और इसमें आपको इसे स्टोर करना। परंतु स्टोर करने से पहले सबसे पहले आपको डालना है इसमें एक चम्मच शक्कर। शक्कर जो होती है वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रिजर्वेटिव होती है, हमारी चीजों को सड़ने से बचाती है, खराब होने से बचाती है। जैसे कि नमक होता है ना दोस्तों, परंतु सीताफल के पल्प में हम नमक नहीं डाल सकते क्योंकि ये मीठा होता है, हमें तो शक्कर डाल के ही प्रिजर्व करना है। तो शक्कर डालने से ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा। शुगर एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव एजेंट होता है। तो शक्कर डाल दिया है, उसके सारा पल्प स्प्रेड कर दें और फिर इस पल्प के बाद आपको फिर से शक्कर डालना है। इसके बाद आपको सीताफल के पल्प को फ्रीजर में स्टोर करना है, फ्रीज में नहीं, फ्रीजर में स्टोर करें। पूरे साल भर तक ये बिल्कुल अच्छा ताज़ा बना रहेगा। जब भी रेसिपी बनाएं फटाफट निकालें और रेसिपी में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बस अब इसे मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब ज़रूरत है तब मैं इसे